रावलपिंडी के इलाके वेस्टर्न की तारीख देखी जाए तो अंग्रेजों का हवाला मिलता है। 1880 में जब अंग्रेज यहाँ पहला कदम रखते हैं तो ये इलाका वेस्टर्न 3 जिसको हम कहते हैं, ये एक गुंजान इलाका था। यहाँ अंग्रेजों ने एक छावनी तामीर करवाई जो कि रावलपिंडी कैंट कहलाती है। इसकी एक सदी बाद एक ऐसे इदारे की पहली ईंट रखी गई। इसने कई चमकते सितारों को जन्म दिया। इसने इल्म और कामयाबी के तलबगारों को एक रास्ता फराहम किया। बात कर रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल वेस्टर्न 3 पासवान की। इससे पहले अगर हम बात इस सिस्टम की करें तो इसकी बुनियाद मिस अजीजा हयात ने रखी। ये वही सिस्टम है जहां बेगम तायरा काजी जैसे उस्तादा पढ़ाते हैं। यहां उस्मान खान साहब एक डायलॉग बोलेंगे, अगर आप चेक करें। जो कुर्बानी उनने दी ना वो हम दे सके ना कोई और दे सके। जैसे कि उस्मान साहब ने कहा है, जो कुर्बानी उनने दी ना वो हम दे सके ना कोई और दे सका। बिल्कुल इसी तरह ही है, उनने अपने तुलबा की जान बचाते हुए इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ की कुर्बानी दे दी। जी हाँ, आपने सही सुने, उनने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इंसान को अपनी जान से ज़्यादा अजीज कोई चीज़ नहीं होती। इसी सिस्टम का एक नामवर रुकन आर्मी पब्लिक स्कूल वेस्टर्न पासवान। पासवान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच वाकई ये स्कूल 1986 से लेकर अभी तक चल रहा है। 500 साथ की रहनुमाई में बैक वक्त 8000 तुलबा को तालीम के साथ साथ स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बेमिसाल एकेडमिक फैसिलिटीज फराहम करने वाले इस इदारे को 2002 में कॉलेज भी बना दिया गया। इस इदारे के बहुत से तलबा पाक फौज में सीनियर अफसरान या शहादत का रुतबा हासिल कर चुके हैं। जैसा कि डॉक्टर इलामा इकबाल ने फरमाया, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितार। 1986 में जो इस इदारे की सबसे पहली इमारत तामीर हुई वो आज APS पासवान गर्ल्स विंग कहलाती है, जो कि आप लोग अभी देख रहे हैं। इसका पुराना नाम रेडिएंट हाउस स्कूल था। जी हाँ, रेडिएंट हाउस, आर्मी पब्लिक स्कूल नहीं।
की बुनियाद बेगम शफीक ज़िया ने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में रखी थी, और फिर 2002 के अंदर इसी आर्मी पब्लिक स्कूल को कॉलेज भी बना दिया गया, तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज कहलाने लगा। लेकिन इसके साथ सिस्टम नहीं था, इसके साथ सिस्टम का वर्ड 2006 में लगा था जब APS सेक्रेटेरिएट का क़याम हुआ, तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम कहलाने लगा। सेक्रेटेरिएट के क़याम के बाद ये स्कूल पूरे पाकिस्तान में फैल गया। 217 ब्रांचेज के साथ ये बैक वक्त 2.5 लाख तलबा को तालीम फराहम करने वाला इदारा है, या सिस्टम कह लें आप। 21,000 उसाज़ा अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं इसी सिस्टम में। इस सिस्टम से मुराद है तमाम पाकिस्तान के अंदर जितने APS मौजूद हैं, जिनमें 18 रीजन्स हैं, कोल्ड बाम अलग अलग रीजन्स। आर्मी पब्लिक स्कूल वेस्टरिज इस वक्त 10 कॉर्प्स के ज़ेर निगरानी है, जिसके रीजनल डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक अली सईद हैं। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये 2002 में तामीर हुई थी, और जो ये विंग आप देख रहे हैं ये 2016 में तामीर हुआ, और ये तो सबसे पहले तामीर हुई यानी 1986 में था। और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये पासवान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ग्राउंड है, ये स्कूल का बास्केटबॉल कोर्ट है, ये मिडल विंग और सीनियर विंग का ग्राउंड है। आर्मी पब्लिक स्कूल वेस्टरिज पासवान का नाम रावलपिंडी इस्लामाबाद के टॉप 10 स्कूल्स में दर्ज है। जी हाँ, टॉप 10। APS पासवान को रावलपिंडी के 8वें बेहतरीन स्कूल होने का एजाज़ हासिल है। इसी बात पर एक शेर हो जाए, चिराग तेरी असमतों के और जगमगाऊंगा, चिराग तेरी असमतों के और जगमगाऊंगा, ए APS वेस्टरिज मैं तेरे बाहों दर को सजाऊंगा।